अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोमो इस्माइल पिजन्स। तो फ्रेंड आज हम दो डेडी बेबी पिजन्स का शो का कराएंगे, जो कल अनबॉक्सिंग डब्बे से बाहर निकाले के आपको शो नहीं कराया था। तो अभी एक बेबी यहाँ पर सामने बैठा हुआ है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। छोटा बेबी पिजन है क्योंकि अभी ये दाना उठा रहा है, ठीक है। तो इसका पूरी डिटेल आपको आप दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा। पहले एक बेबी यहाँ शो कराते हैं, एक अंदर है लॉफ्ट के अंदर, वो भी आप दोस्तों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो शायद वो अंदर ही होगा, तो पता नहीं क्या। काफ़ी कबूतर मेरे जो है बीमार वगैरह चल रहे हैं, ज़ुकाम नज़र है, ज़ुकाम की वजह से काफ़ी कबूतर बीमारी के मुताबिक चल रहे हैं। तो अंदर बेबी पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि कबूतर काफ़ी ज़्यादा है तो ढूंढने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो बाहर चलते हैं, कहाँ भी बैठा हुआ है, एक तो बैठा हुआ है, दूसरा वो सामने बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है सामने, ये बैठा हुआ है टेरी बिजाने, क्योंकि अभी ये दाना सिर्फ उठा रहा है। क्योंकि कल से जब मैं लेके आया हूँ कबूतर, उन्हें आप देख रहे हैं, एक सामने ये बैठा हुआ है, खड़ी तकती के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। तो इनको पकड़ के पहले एक का शो कराते हैं, बाद में दूसरे कबूतर शो कराते हैं। तो पहले पकड़ता हूँ बेबी पिजन को। तो फ्रेंड ये बेबी पिजन छोटा बेबी पिजन है, पहले आपको मैं छोटे की आइज़ का दिखाऊंगा, उसके पर वगैरह दिखाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक पत्ते की दुम का है, आप देख सकते हैं, या डेढ़ पत्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी छोटा है। तो ये सलारा टेरी है, अभी इसको सलारा टेरी नहीं कह सकते क्योंकि ये बड़ा होगा तो इसका कलर कैसा होना होगा को ये पता नहीं, क्योंकि सलारा टेरी भी निकलते, कांटू वाले निकलते, सेठ वाले भी निकल आते, पता नहीं कौन सा इसमें कलर है। तो ये जैसे बड़ा होगा, क्रीम मुकम्मल साफ़ करेगा तो ही पता चल जाएगा। पहले इसकी आइस का व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये वाइट आइस का है और ऊपर से आपको लाली भी नज़र आएगी, जैसे लाल ज़रात आपको वाजे में समझा देता हूँ, क्योंकि आँख में चमक आप देख सकते, कितनी प्यारी चमक है इसकी। क्योंकि चूँच का कलर भी अभी डिफरेंट होगा, ये जैसे बड़ा होगा, अभी जो छोटा बेबी पिजन है आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर से जो बेबी पिजन के होते हैं, नीचे से आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ही छोटा बेबी पिजन है। अभी कल से लेके आया हूँ तो दोनों कबूतर ने दाना वगैरह नहीं उठा रहे, क्योंकि सियान के काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ से मैं लेके आया हूँ, वो मेरा सब्सक्राइबर था जिसने मुझे से दिए कबूतर, मैंने उनको परचेज़ किए, कितने में किए वो आप इसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा। ये एक पल्ला है आप देख सकते हैं, अभी ये इसके पंख भी मुकम्मल नहीं हुए, अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको नीचे से आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा बेबी पिजन, अभी दाना ऐसे नहीं उठाया है, तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा बेबी पिजन है। और दूसरी साइड का पल्ला भी आप दोस्तों के साथ में शेयर कर देता हूँ, बगल देख सकते हैं, परों की लेंथ भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी का कबूतर है, यहाँ से बगल कितनी चढ़ी हुई है। तो अभी ये 10 पर अभी बड़े होंगे, 8वां 9वां 10वां, ये बिल्कुल छोटा पर है, तो आपके वाइब्रेशन में कबूतर के पर में देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा शायद ये, और इसकी ये दुम, अभी छोटा बेबी पिजन है, ये दुम आप देख सकते हैं, पकड़ के मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इस तरह से नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बंद दुम का कबूतर है, और इसके पंजे बड़ी हड्डी का कबूतर है, ये इसके पंजे, यहाँ से आप देख सकते पंख वगैरह, ये भी न्यू आर है, जो भी छोटे बेबी पिजन होते हैं वही इसमें है। तो ये बड़ी हड्डी का कबूतर आप देख सकते हैं, 4 इंच की हड्डी का कबूतर है, तो इसको छोड़ते हैं, आप देख सकते हैं ये उड़ भी नहीं सकता, बिल्कुल छोटा बेबी पिजन है। तो ये चला गया अंदर बैठ गया, अभी दूसरा पकड़ते हैं, उसका भी आपको शो कराते हैं। तो फ्रेंड ये दूसरा बेबी पिजन है, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, इसकी जो लाली वगैरह नीचे से जो छोटे बेबी पिजन होते हैं वो इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे। तो पहले इसकी या मैंने पकड़ा हुआ है तो हाथ भी नहीं आ रहा, तो परों की क्वालिटी देख सकते हैं, क्योंकि इसने भी पहली कली नहीं गिराई है, बिल्कुल जीरो कली का बेबी पिजन है आप देख सकते हैं, पर इसके अभी मुकम्मल हो चुके हैं कि अभी ये कली वगैरह गिराएंगे तो इसके पर आपको वाजे नज़र आएंगे, क्योंकि ये सलारा टेरी इसको कहा सकता है, क्योंकि अभी इसको मुकम्मल इतनी मेरे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी ये पर गिराएगा, उसके बाद देखते हैं किस तरह के इनके पल्ले वगैरह निकल आते हैं, तो ही पता चल जाएगा ये सलारा टेरी बनता है कौन सा बना, क्योंकि इस कबूतरों की क्वालिटी है, वो 3 कलर के कबूतर निकाल सकते हैं, तो कांटों वाले भी निकाल सकता है, जौनसरे भी कहा जाता है, और लाल सलारा टेरी भी कह सकते हैं इसको। तो अभी देख सकते कबूतर थोड़े से भूख तो हाथ पे आ रहे हैं, क्योंकि इनको दाना वगैरह नहीं दिया। तो पर आपको क्या करना है, जब भी टेढ़ी कबूतर आँख वगैरह आँस वगैरह चेक करनी है, तो कबूतर को टेढ़ी कबूतरी की आँख आप जितना हो सके धूप में देखें तो बेहतर रहेगा। पहले मैं आपको इसकी आँस धूप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप भी देख सकते बिल्कुल ज़्यादा धूप नहीं है, क्योंकि ये वाइट आइस है, जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी तो इनके रिंग वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी आइस अभी मुकम्मल साफ़ नहीं हुई है, आपको लाली नज़र आएगी, बेलनूर, उसके बाद वाइट ज़रात,
उसके बाद लाली कह सकते हैं, लाल जरात भी इसको कह सकते हैं, उनके बाद लास्ट वाला रिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी छोटा बेबी पिजन है, चूँ से भी आपको पता लग सकता है ये दोनों के दोनों छोटे बेबी पिजन परचेज मैंने क्यों किए। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करते रहेंगे। दूसरी साइड की आहिस्ता आपको दिखा देता हूँ बेटा, क्लोजअप कर उसको अच्छे से, क्लोजअप कर व्यूअर को पता चले कि चीज़ क्या है। क्योंकि टेडी कबूतर काफ़ी दोस्त पीछे भागते रहते हैं, बोश की आँख यहाँ आइस होनी चाहिए, क्योंकि टेडी कबूतर काफ़ी दोस्त कहते हैं उड़ते नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी नॉलेज है। तो टेडी कबूतर प्योर टीम होगा तो उड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने ऐसे कारोबार खोले हुए हैं, शॉप खोले हुए हैं, जो टेडी कबूतर बने हुए हैं उनके वो कहते हैं ये टेडी कबूतर है। क्योंकि प्योर टीम कबूतर टेडी होगा तो कितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो वो भी शाम शाम की परवाह करेगा। और इसके पंख आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरी साइड का पंख आपको दिखा देता हूँ, जीरो कली का भी पिजन आप देख सकते हैं। पंखों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बगल पे यहाँ आप देख सकते हैं पर वगैरह चढ़े हुए, बगल भी बड़ी है, क्योंकि वाइब्रेशन इस कबूतर में वाइब्रेट आप देख सकते हैं परों की। और ये इसकी दुम में आप देख सकते हैं, तो जैसे बड़े होंगे इनकी कलर इसका डिफरेंट होगा, क्योंकि इसको कहा नहीं जाता है कौन सा इसमें कलर निकलेगा किस तरह का। बड़े होने के बाद ये पूरा इसका जहाँ चूँच का कलर भी थोड़ा सा पेंसिल लगा नोक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कबूतर टेढ़े होंगे, बड़ी चोंच होती है तो बड़ी ना दरमियान होनी चाहिए, पतली चोंच होनी चाहिए, और ये सांस लेने के लिए ना कि नॉली आए वो बड़ी होनी चाहिए टेडी कबूतर की। अब इसको पीछे चलते हैं पंजों के पास, तो पंजे आप देख सकते हैं, ये कबूतर के पंजे हैं आप देख सकते हैं, और बड़ी हड्डियाँ कबूतर है, जोड़ इसके बिल्कुल बंद जोड़ों का कबूतर, जोड़ काफ़ी ऊपर लगे हुए हैं, नीचे नहीं है, जोड़ इसके ऊपर लगे हुए हैं उसके थोड़े नीचे भी पिजन्स के। तो ये कबूतर है, अभी इसको छोड़ते हैं, आपको इसकी खड़क आप दोस्तों के साथ में शेयर कर देता हूँ। ये खड़ी तकती का कबूतर है, आप जैसे ये बड़ा होगा तो ये डिफरेंट कलर बनेगा, और इसकी शाइन काफ़ी अच्छी है, और इनकी परवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये मेरा सब्सक्राइबर था, उसी के पास से ये कबूतर पड़े हुए थे, उसने पंजाब से मंगवाए थे अपनी कज़न के पास से, उसने 16,000 का जोड़ा लिया था। क्योंकि ये बेबी पिजन में लेके आया हूँ 4,000 के, दो बेबी पिजन में लेके आया 4,000 के, तो ये मैं लेके आया हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि ये कबूतर का जोड़ा, जो टेडी बेबी पिजन का जोड़ा है, आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह इनकी टेडी कबूतर की मुकम्मल डिटेल से आप दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा, जितनी मेरे पास नॉलेज है, घर के की अपनी नॉलेज है, तो आप दोस्तों के साथ टेडी कबूतर की पहचान के हवाले से एक वीडियो बनाएंगे। काफ़ी वीडियो आएंगी तो टेडी कबूतर के ऊपर भी आएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब साथ दे, बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपना सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।